गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में लर्निंग विद फन। सो टुडेज टॉपिक ऑफ एचटीएमएल इज एचआर टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो आज हम जानेंगे एचआर टैग और उसके एट्रीब्यूट्स के लिए। बच्चे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जो ये नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स सी कि एचआर टैग होता क्या है। एचआर टैग हॉरिजॉन्टल रूल इज अ वे टू सेपरेट सेक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा टैग है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। द एचआर टैग प्रोड्यूसेस अ हॉरिजॉन्टल लाइन स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो। मींस ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है उन सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए। थर्ड इज डिफॉल्ट साइज ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल इज 7 pixels। जो उसका साइज होता है, जो डिफॉल्ट साइज होता है, वो 3 pixels होता है। और इसके जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं वो है कलर, साइज, विड्थ, नो शेड एंड अलाइन। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे ये देखने के लिए कि एचआर टैग कैसे काम करता है। होप यू ऑल आर रेडी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने दो विंडोज हैं। पहली विंडो जो है ये है आउटपुट और दूसरी विंडो जो है ये है कोडिंग। बच्चे, जब आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है तो आपको आउटपुट और कोडिंग दोनों दिखानी होती है। तो जब आप एक पेज बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल का, तो आप उस पे इस एचआर टैग के और उसके एट्रीब्यूट्स दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको आज इस बारे में बताने जा रहा हूं। नाउ यू कैन सी देयर आर 4 horizontal lines ओवर देयर, जिसने उस पेज को डिवाइड कर रखा है 4 parts में। और आप देख रहे हैं कि ये अक्रॉस द ब्राउजर विंडो है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। तो सबसे पहला जो टैग आज हम एट्रीब्यूट सीखेंगे एचआर का, वो है कलर। color इज इक्वल टू रेड, इन्वर्टेड कॉमास में देंगे वैल्यू को रेड। लेट्स सी, जब भी हम कोई चेंज करते हैं विल सेव इट एंड देन रिफ्रेश। देखिए कलर रेड हो गया है। नाउ द सेकेंड एट्रीब्यूट इज साइज। दूसरा एट्रीब्यूट जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे साइज। बच्चे, डिफॉल्ट साइज क्या है इसका? यस, इसका डिफॉल्ट साइज है 3 pixels। अभी हम इसको दे रहे हैं 40। साइज इज इक्वल टू 40। फाइल, सेव, रिफ्रेश। देख लीजिए इसका साइज जो हो गया है वो 40 हो गया है। अब इसमें हम एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, दैट इज नो शेड। नो शेड, नो शेड, फाइल, सेव, रिफ्रेश। अब कोई भी शेड नहीं है इसमें, जो भी कलर है वो ग्रे है, जो डिफॉल्ट होता है। ग्रे इज अ डिफॉल्ट शेड, तो दैट इज नो शेड। तो अभी हमने सीखे 3 attributes। पहला एट्रीब्यूट जो हमने सीखा कलर, दूसरा सीखा हमने साइज, तीसरा सीखा हमने शेड। अब हम चौथा एट्रीब्यूट जो यूज करने जा रहे हैं वो है विड्थ। वो हमारा है विड्थ, width, एचआर विड्थ। इसको हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी। पहले परसेंटेज से देखेंगे, 50%। फाइल, सेव, रिफ्रेश। देखिए आपकी लाइन जो है वो 50% आ गई है, और डिफॉल्ट ये सेंट्रल अलाइन होती है। अगर मैं इस परसेंटेज को हटा के इसके ब्राउजर कोड की विंडो कोड के पिक्सल्स में इसको डिवाइड करता हूं, तो देखिए 550। फाइल, सेव, रिफ्रेश। इसका साइज बढ़ गया है, 550 pixels है। मेरे जो ब्राउजर विंडो है उसका जो विड्थ है उसकी है 768। तो लेट्स सी, अगर मैं 600 करता हूं तो कुछ होगा। विड्थ 600, फाइल, सेव एंड रिफ्रेश, बढ़ गया है। नाउ अब हम एक और एट्रीब्यूट सीखेंगे, अलाइन। अलाइन, डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है सेंटर है,
अलाइन एट्रीब्यूट काम करेगा आपका विड्थ के साथ, अलाइन एट्रीब्यूट आपका काम करेगा विड्थ के साथ। लेट्स सी, विड्थ इज इक्वल टू 60%। फिर से बता रहा हूं, अलाइन एट्रीब्यूट काम करेगा आपका विड्थ के साथ। और मैंने दिया ए एल आई जी एन इज इक्वल टू राइट, इज इक्वल टू राइट, फाइल, सेव, रिफ्रेश। देखिए आपका बच्चे ये जो है हॉरिजॉन्टल रूल कहां पर आ गई है, राइट हैंड साइड पे आ गई है। सो वी केम टू नो अबाउट फोर एट्रीब्यूट्स नाउ, कलर, साइज, विड्थ एंड अलाइन। सो बच्चे ये एट्रीब्यूट्स हमने अभी सीखे हैं, और आगे हम देखते हैं कि कलर, साइज, नो शेड, विड्थ एंड अलाइन, क्या हम इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, साइज इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास 20, विड्थ इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास 40%, और विदाउट इनवर्टेड कॉमास भी दे सकते हैं 40%, color इज इक्वल टू रेड, विड्थ इज इक्वल टू साइज इज इक्वल टू 20, विड्थ इज इक्वल टू 40%, कलर इज इक्वल टू रेड, ए एल आई जी एन इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास लेफ्ट। देखिए फाइल, सेव, रिफ्रेश। सो हमने एक साथ भी इनको यूज किया। सो बेटा आज हमने सीखा है एचआर टैग और उसके एट्रीब्यूट्स के लिए। जब आप अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, यू कैन मेक अ पेज लाइक दिस। इस साइड पे आप उसका एक कोड दिखाएंगे एक पेज पे, और दूसरे पे उसका आउटपुट। आई होप आर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एचआर टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ask me on my number, and my number is given over here. So students, I hope you all are able to understand about HR tag and its attribute. Students, keep yourself safe, stay at home, learn and practice. May God bless you. Jai Hind, Jai Bharat.